देश की राजधानी दिल्ली में दशहरे के बाद हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आईटीओ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 दर्ज किया गया। सोमवार को इंडिया गेट, अक्षरधाम और आईटीओ के आसपास के इलाकों में स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के आनंद पर्वत और अशोक विहार इलाके में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। रविवार को आनंद पर्वत में AQI 403 और अशोक विहार में 520 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली कैंट और नारायणा को छोड़कर रविवार को सभी इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्थिति में था। दशहरा पर रावण दहन न करने के प्रशासन के आदेश के बावजूद कई इलाकों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कॉलोनियों और सेक्टरों में गली गली रावण का पुतला जलाया गया। हालांकि इस बार दशहरा कमेटियों ने पुतला दहन नहीं किया। सीजन की शुरुआत में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 200 AQI के करीब था, जो सोमवार की सुबह बढ़कर 400 के पार चला गया है। रविवार को शाम 6 बजे के बाद राजधानी के 5 निगरानी स्टेशनों पर प्रदूषण की जांच की गई, जिसमें हवा की गुणवत्ता का स्तर 2 गुना पाया गया। अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। उल्लेखनीय है कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।